दोस्तों आज मैं माइलेज टेस्ट करूंगा आप लोगों के कहने से स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का, लेकिन उसमें भी आप ध्यान से सुने कि मैं इस बाइक की रियल टाइम माइलेज को टेस्ट करूंगा, जो कि ये मीटर में बताती है कि ये कितने की माइलेज दे रही है, तो इसका मैं टेस्ट करूंगा। क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने ये मुझसे पूछा कि मिंटू भाई, जब मैं अपनी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को चलाता हूँ तो कभी ये 100 की माइलेज दिखाती है, कभी ये 90 की दिखाती है, कभी ये 70, 50, 30 ऐसे दिखाती है, तो मुझे कंफर्म नहीं हो पाता कि ये बाइक कितने की माइलेज दे रही है, तो क्या ये सही बताती है या फिर नहीं बताती है, तो प्लीज़ इसके बारे में बताओ। तो मैंने, जैसे जो आप बाइक देख रहे हैं जिसको मैं चला रहा हूँ, इसको मुझे लगभग 70 किलोमीटर दूर तक लेकर जाना है और इसमें इसकी लगभग माइलेज भी टेस्ट हो जाएगी और इसकी रियल टाइम माइलेज भी टेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं लगभग माइलेज क्यों कह रहा हूँ ये भी आप जान लें। दरअसल जैसे मैं प्रॉपर माइलेज को नहीं टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तुरंत पेट्रोल टैंक फुल करवाऊँगा और ये करवाऊँगा, क्योंकि जहाँ से मुझे ये बाइक मिली है वहाँ पर इसमें 2-4 लीटर पेट्रोल रहा होगा, फिर उसके बाद आगे मैं फुल करवाऊँगा, तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको लगभग माइलेज बता दूंगा, क्योंकि मुझे 70 किलोमीटर जाना है तो वहाँ पर ये माइलेज पता चल पाएगी। तो लगभग जैसे जब तक मैंने इसको 20 किलोमीटर चलाया तो वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी ऑब्जर्व किया कि भाई ये कितने की माइलेज दे रही है। जैसे कि आप देखेंगे अभी ये 60 की दिखा रही है, कभी 70 की दिखा रही है, ठीक है। तो इससे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कितने की माइलेज ये दे रही होगी। और इसके इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता दूं, जैसे इनकी जो ग्लैमर एक्सटेक आती थी, ग्लैमर पहले वाली आती थी, एक्सटेक नहीं, जो सबसे पहले ग्लैमर FI आती थी, उसमें तो लगभग रियल टाइम माइलेज ये बता देती थी, मतलब वो बाइक बता देती थी और उसके ऊपर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते थे। लेकिन अभी इसकी जो टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको थोड़ा सा रियल टाइम, कम रियल टाइम बताती है। अब उसको मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आप देखेंगे 63, 65, 70 ऐसे ये बाइक दिखाती रहती है, तो इससे रियल टाइम तो ये है। लेकिन जो मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे ऐसा पता चला कि जैसे ये होता रियल टाइम का मतलब कि जैसे आप जब एक्सेलरेट करेंगे तब आपको कम दिखानी चाहिए और जब आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो बाइक को माइलेज एकदम प्रॉपर दिखाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई ग्राहक 60 की स्पीड में या फिर 40 की स्पीड में अपनी बाइक को लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर उनको माइलेज दिखानी चाहिए लगभग 60, 65, 70 की, लेकिन ये 40 की स्पीड में भी 50 की माइलेज दिखाती है, 60 की दिखाती है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी देर के बाद आपको ये माइलेज बताती है। मतलब थोड़ी सी देर का मतलब ये थोड़ी सी देर में उसमें जो दिखाती है वो अपडेट होता है, मतलब कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले जो आप चला रहे थे बाइक को, उस समय जो आपकी स्पीड थी उसमें जो माइलेज थी उसके बारे में ये आपको दिखाती है। अब यहाँ पर अभी हीरो की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पाई है कि वो एकदम बिल्कुल क्लियर बता दें, लेकिन ग्लैमर जो पहले वाली आती थी उससे ज़्यादा अच्छी इसकी रियल टाइम माइलेज नहीं है, लेकिन फिलहाल काम चलाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके भरोसे चलेंगे तो आप बिल्कुल धोखा खा जाएंगे, इससे आपको कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। इससे जैसे आप कुछ देर पहले जो आपने भगाई थी या कम भगाई थी उसके बारे में आपको पता चल पाएगा, लेकिन रियल टाइम आपको माइलेज नहीं पता चल पाएगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अब कंपनी ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी आप आगे सुने कि मैं इसके बारे में क्या बता रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर ध्यान से देख लें। दोस्तों इस बाइक की माइलेज टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैंने इसको कितना चला लिया है। आजा 68.2, मतलब 68 किलोमीटर और 200 मीटर मैंने इसको चला लिया है। 510 रुपये का मैंने पेट्रोल भरवाया था और 20 थी जब रीडिंग, जब मैंने इसको भरवाया था तो वहाँ पर 60 किलोमीटर में चला चुका हूँ। नहीं भाई अभी देखता हूँ, ये देखिए इतना पेट्रोल बचा हुआ है अभी इसमें, खैर पेट्रोल ज़्यादा नहीं लगा है और मैंने जैसे ज़्यादा तेज़ चलाया भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाता तो गाड़ी एवरेज नहीं देती, और नई गाड़ी है तो भाई नई बाइक है, गाड़ी वाड़ी नहीं। तो ये आप देख लें, ये है मतलब 20 थी तो आप 48 किलोमीटर में पेट्रोल डलवाने के बाद लेकर आया हूँ। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। तो दोस्तों अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे अगर आप इसके भरोसे चलते हैं, यहाँ पर जो रियल टाइम माइलेज बताती है, अगर आप इसके भरोसे चलेंगे तो कभी आप माइलेज कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना कंफर्म नहीं बताता है। तो इसके लिए उसके भरोसे न चलें, क्योंकि अभी हीरो की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी हो चुकी है कि वो बिल्कुल एकदम क्लियर बता दें।
तो यही इस वीडियो में आप लोगों को बताना था। आप लोगों को ये बाइक और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।